उसके ऊपर आ गया 0.3, जिससे आपके बाल कभी भी गलत नहीं कटेंगे, आपको पिनिंग करनी है। जो अनइवन बाल है उसको इक्वल से लेके 0.3 तक, मतलब ऊपर तक एकदम। Hey guys, welcome back to my channel. This is Karan Erzinger, your own formal edit. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर लड़के के लिए, क्योंकि जैसे आपको पता है ग्रूमिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। जब आप नहाते नहीं है, जब आप दाढ़ी नहीं कटवाते, आपको बहुत शैबी लगता है, नेगेटिविटी सी आती है। सेम वे अगर बहुत टाइम तक आप अपना हेयर कट ना कराए तो अनटाइडी फीलिंग आती है, वो मज़ा नहीं आता है। डोंट लुक दैट ग्रूम्ड अप। अभी अब लॉकडाउन की सिचुएशन है, हेयर कट कराना इज इम्पॉसिबल। इवन आफ्टर दैट सेकंड वेव, थर्ड वेव की बात जो चल रही है इस साल, यू कांट रिस्क योर लाइफ, योर फैमिलीज लाइफ टू हेयर कट। आपको बेसिक इक्विपमेंट के साथ एक टॉप हेयर कट कैसे करवाएंगे, इस वीडियो में ए टू जेड सब कुछ मिलने वाला है। एंड यू डोंट हैव टू वरी, टेंशन नहीं लेना, मैं खुद अपना हेयर कट बहुत बार कर चुका हूं। सो बेसिक एंड इजी ट्यूटोरियल सेल्फ हेयर कट का, वॉच द वीडियो टिल द एंड। बेसिक इक्विपमेंट्स फॉर द हेयर कट जो आपको चाहिए हर घर पे अवेलेबल होंगे। अगर नहीं भी है तो वो लॉकडाउन की ग्रूमिंग एसेंशियल कैटेगरी में है, हर वेबसाइट आपको डिलीवर करेगा लॉकडाउन के अंदर भी। पतली ब्रिसल वाली कंघी होनी चाहिए, मीडियम साइज के आपके पास सीजर्स होने चाहिए जो शार्प है, वो ध्यान रखना है आपको। ट्रिमर विद डिफरेंट एडजस्टमेंट्स होने चाहिए, आपके पास कोई भी पिंस, आपकी मदर की हेयर बैंड या हेयर पिंस जो होती है वो अवेलेबल होनी चाहिए। एक स्केल, उसके साथ पेन और मार्कर जरूर होना चाहिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटा मिरर आपके पास होना चाहिए। हेयर कट से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जब भी आप सलून जाते थे आपको क्या आपका बार बार बोलता होगा, भैया आपका क्या हेयर वॉश कर दूँ। उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होता है, वो क्या होता है, जब आप सोते हैं आपके बाल चिपके होते हैं या नेचुरल ऑयल जो प्रोड्यूस ज़्यादा होता है उससे आपके बाल चिपक जाते हैं, जब सीजर्स अच्छे से नहीं चलती, या जब आपके बाल काटते हैं उसकी लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है, या कभी आप प्रोडक्ट्स लगाते हैं जैसे कि हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे, उससे क्या होता है बाल फ्रीजी हो जाते हैं या बालों में चिपक जाता है प्रोडक्ट, बाल डैमेज हो जाते हैं। जब बाल फ्रीजी डैमेज है तो अगेन वो अच्छे से नहीं चलेगी, डिजायर्ड स्टाइल नहीं मिल पाएगा। तो 15 मिनट पहले ऐसा शैम्पू यूज करें जिससे क्या हो आपके बालों की टैंगल्स निकल जाए और फ्रिजीनेस और डैमेज खत्म हो जाए। मैं पर्सनली कौन सा यूज कर रहा हूं, जो मामा अर्थ का है राइस वाटर हेयर शैम्पू। जब भी आप कोई शैम्पू लेंगे उसके अंदर आपको क्या देखना है, बेसिकली केराटिन हो जो बालों को स्ट्रांग रखे और फ्रिजीनेस खत्म करे, और क्या, और साथ ही साथ कोई नेचुरल प्रॉपर्टीज हो जो रिपेयर करे डैमेज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस वाटर है। इंडिया में अगर आप रहते हैं तो मैं आपको एक फन फैक्ट बता देता हूं, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थी, जो 6 फीट जिनके लंबे बाल हैं, क्या यूज करती थी बालों को धोने के लिए, सिर्फ राइस वाटर, जिससे बाल टूटते नहीं है, हेल्दी रहते हैं एंड डैमेज रिपेयर करते हैं। इसका बताने का पर्पस क्या है, जब बालों में डैमेज नहीं होगा, वो टैंगल नहीं होंगे, आराम से कैंची चलेगी उसके ऊपर, तो क्या होगा आपके बाल अच्छे से कटेंगे और आपको जो स्टाइल चाहिए आपको वो आएगा। शैम्पू करने के बाद आपके बाल होने चाहिए टॉवल ड्राई। सबसे पहला स्टेप होता है पिनिंग, बेसिकली आपको साइड्स और बैक को फेड करना है, जिससे आपके बाल कभी भी गलत नहीं कटेंगे, आपको पिनिंग करनी है। जब आप बाल की मांग की चीर निकालते हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली पहले आपने कंघी करनी है बालों पे, जहाँ चीर है उसके ऊपर जो बाल है उसको पिन अप कर देना है, कि वाइल फेडिंग जब आप यहाँ पे ट्रिमर यूज़ कर रहे हो बाल नीचे ना गिरे, कुछ गलत ना कटे। अब ऑपोजिट साइड पे ट्रबल आता है क्योंकि वहाँ पे मांग नहीं है, उसका क्या, अब आपको क्या करना है, आपको जो कान से लेके ऊपर चीर तक की लेंथ है वो नापनी है एक स्केल से, सेम लेंथ ऑपोजिट साइड पे ऊपर के बाल सारे पिन अप कर देने हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में आपके बाल फेड होंगे। जब बाल आप फेड करते हैं साइड और बैक से, बहुत लोग क्या करते हैं एक ही नंबर पे ट्रिमर चला देते हैं, वो बाल खराब हो जाते हैं। ब्यूटी फेड की क्या होती है, धीरे धीरे बाल ऊपर उठते हैं, बढ़ते हैं। अब आपको करना कैसे होता है, पहले आपको डिसाइड करना है आपको चाहिए कितना, टेपर चाहिए, लो चाहिए, मीडियम चाहिए, हाई चाहिए। हाई का मतलब क्या, ज़्यादा स्किन दिखेगी ऊपर तक जाएगा, लो का मतलब क्या, कम स्किन दिखेगी। पहले आप डिसाइड करिए, उस नंबर के हिसाब से आपका जो कोम्ब का नंबर होता है आपके ट्रिमर पे वो एडजस्ट होता है। एक टिप का ध्यान आपको रखना, अगर आपके पतले बाल है और आपके घने काले बाल है, दोनों एक नंबर का ट्रिमर यूज करते हैं, जिनके पतले बाल है उनकी स्किन ज्यादा दिखेगी, तो आप पतले बाल वाले लोग क्या करना है, आपको आधा नंबर ऊपर रखना है। सलोन वाला फेड घर पे कैसे करें, इजीएस्ट वे बिगिनर्स के लिए क्या करना है, 3 मार्क लगाने हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप मत करिए, लेकिन बिगिनर्स के लिए गलती ना हो इसलिए 3 मार्क है। कान के ऊपर से आपको स्केल से नापना है, 2 सेंटीमीटर ऊपर 0.1, 1.5 सेंटीमीटर उसके ऊपर 0.2, 1 सेंटीमीटर उसके ऊपर आ गया 0.3। अब हमने ये 3 पॉइंट बना लिए दोनों जगह पे, साइड्स पे। अब क्या करेंगे, अब आपको कोम्ब लगानी है ट्रिमर के ऊपर नंबर 4 पे। जब आपने कोम्ब लगा ली, जहां पे आपकी साइड बन खत्म है, मतलब कलम जहां से खत्म है, नीचे से लेके 0.3 तक, मतलब ऊपर तक एकदम, आपको ट्रिमर 4 नंबर पे चलाना है, दोनों साइड्स पे और आपके बैक पे। बैक पे आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा मिरर यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला था छोटा मिरर इज वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड 2 आता है, आपको 2.5 से 3 नंबर पे यूज करना है।
है, आपको पॉइंट टू तक जाना है, अगेन कलम से शुरू करना है जहां खत्म हो रही है, और पॉइंट टू तक दोनों साइड्स एंड बैक पे, एंड आपका लास्ट राउंड आएगा, उसमें क्या करना है, एक नंबर पे आपको ट्रिमर रखना है, और आपको एक नंबर का ट्रिमर जाएगा पॉइंट वन तक, हल्का नीचे तक, और अब वहां मारा, दूसरी साइड पे मारा एंड बैक पे मारा, एंड यू आर सॉर्टेड। ट्रिमर यूज करना है अब आपको बिना किसी एडजस्टमेंट के, फॉर अ क्लीनर लुक, बिल्कुल एजेस को क्लीन करना है, एक्स्ट्रा हेयर जो आ रखे हैं आपको ट्रिमर के एज से क्लीन करना है, और आपको कान के पीछे एंड बैक साइड पे, और पीछे जो होता है वहां पे आपको कट नहीं मारना, बहुत ओल्ड फैशन लगता है, और अगर आपका हाथ इतना साफ नहीं है, बैक साइड पे आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अब आपका जो अपर लेंथ है, अब बालों के ऊपर की लेंथ है, उसको कैसे इजीली काटे जो बाल खराब ना हो जाए, आधा इंच ज्यादा ही रखना जो डिजायर्ड लेंथ है, पहले आप स्केल पे देख लीजिए आपको कितनी लेंथ काटनी है, आधा, एक इंच, डेढ़ इंच। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर को डिवाइड करा लेफ्ट और राइट पोर्शन में, तीन लेन करी फ्रंट, मिडल और बैक लेन। अब आपको क्या करना है, आपने फ्रंट के बाल पकड़े, लेफ्ट साइड के उतनी जो डिजायर्ड लेंथ थी उसको काटा, फिर राइट साइड, फिर हम मिडल लेन पे गए लेफ्ट एंड राइट, फिर बैक लेन पे गए लेफ्ट एंड राइट, एंड इस तरीके से आपकी अपर लेंथ हम काटेंगे। फाइनल टच के लिए आपको क्या करना है, बाल को हल्का सा गीला करना है, बालों को कोम करके आगे गिराने हैं, जो अनइवन बाल है उसको इक्वली सीधा काटना है, और क्या करना है आपको, और अगर आपको लग रहा है साइड में डिवीजन या कोई लाइन विजिबल है तो उसको सीजर आउट कर दे। अगर आपको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक डाउन करके इजीली समझाया है, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन 20 से 25 मिनट से आपको ज्यादा नहीं लगेंगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं थोड़ा पेशेंस से करिए, एंड यू विल हैव अ ग्रेट हेयर कट। तो दोस्तों सब कुछ था घर पे हेयर कट कैसे करें, ऑल्सो जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, राइस प्रोडक्ट शैम्पू से लेके ऑयल से लेके कंडीशनर, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, mamaearth.in पे आप खरीद सकते हैं। ऑल्सो अर्ली एक्सेस मिलेगा इनकी नई लॉन्च्ड ऐप पे, आप ये कोड यूज कर सकते हैं formal2021 फॉर 20% ऑफ। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द ब्रांड इज 1,00,000 ट्री अभी तक इन्होंने प्लांट कर दिए हैं, जो कोविड हीरो को ये थाउजेंड ऑफ सैनिटाइजर एंड मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।